If g1 and g2 are two geometric means and a is the arithmetic mean, inserted two numbers, then the value of g1 is square by g2 plus g2 square by g1 is. Now see, अब let's say हमारे पास में दो numbers कौन से हैं? Let's say first number is a and let's say second number is b. तो हमारे पास में दो numbers हैं a and b. Now अब हमें value बतानी है किसकी? g1 square by g2 and g2 square by g1. अब हमें क्या given है? g1 and g2 are geometric means. तो अगर देखेंगे तो first term a, then g1, then g2, and then what? Then आ जाएगा b. And similarly, अगर हम देखेंगे next term क्या है? हमें ये भी given है कि क्या है? इसका जो arithmetic mean इन दोनों terms का वो क्या है? Capital A है. तो a plus b by 2 is equal to capital A. तो simply अगर हम देखेंगे ये एक ये अगर geometric mean है तो means ये चारों term क्या होंगे? GP में होंगे. तो अगर यहाँ से मैं common ratio लिखूँगा तो common ratio क्या जगह? It is equal to g2 by g1. तो अगर g2 by g1 common ratio होगा तो हमारी जो first term हो जाएगी उसे मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो first term अगर a है तो a into r is equal to g1 हो जाएगा, क्योंकि first term a होती है तो second term ar then ar square then ar cube. यहाँ से क्या जगह? A into r is equal to what? g1. और r की वैल्यू क्या है? g2 by g1. तो यहाँ से a की वैल्यू क्या देगी? A is equal to g1 square by g2. Now similarly b की वैल्यू क्या होगी? We know b is equal to b fourth term है gp के, तो जगह a r cube. b की वैल्यू क्या है? g2. सॉरी, अभी हमें b की वैल्यू क्या है डिटरमाइन करनी है. तो b की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू हमें पता चलेगी कितनी है? g1 square by g2 into r cube. क्या हो जाएगा? r cube हो जाएगा g2 cube upon g1. तो इसे अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो लेट्स सी वैल्यू क्या आ जाएगी. ये लिखा हुआ है इनडायरेक्टली g2 g1 स्क्वायर से एक g1 तो कट डाउन हो गया, ठीक है. ऊपर बचा हमारे पास में ओनली क्या, सॉरी नीचे g1 क्यूब आएगा, सॉरी. तो स्क्वायर से स्क्वायर कट डाउन और बचेगा क्या? ओनली g1 बचेगा नीचे. और ऐसे g2 से एक पावर 3 में कटेगा, ऊपर बचेगा 2. तो आ जाएगी वैल्यू क्या? g2 स्क्वायर बाई g1. तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या जाएगा? 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो वो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a. और a की वैल्यू क्या है? स्मॉल a की वैल्यू है g1 स्क्वायर बाई g2. और वॉट इज b? इट इज g2 स्क्वायर बाई g1. तो ये वैल्यू किसी को लगाई? 2 टाइम्स ऑफ a के इक्वल. और हमें यही वैल्यू डिटरमाइन करनी थी तो इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2 टाइम्स ऑफ a.